तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता है देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। दोस्तों, इंडियन आर्मी के वीर शहीदों की शहादत की कहानियां हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, आज की खबर है हाथरस से, जहां एक पैरा कमांडो का पैराशूट टाइम से ना खुलने से पैरा कमांडो को शहादत प्राप्त हुई है। दोस्तों, आपको बता दें, पैरा कमांडो साल में 2 बार पैरा जंप करते हैं। दोस्तों, इन पैरा जंप के दौरान कई पैरा कमांडो अपनी जान गंवा बैठते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इंडियन आर्मी के अपडेट और जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहें। साथियों, सैन्य अभ्यास के दौरान सोमवार को हाथरस का लाल कश्मीर के लिए लद्दाख में शहीद हो गया। जानकारी होते ही समूचे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया में भी लोग लगातार भारत माँ की सपूत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जनपद में पिछले 2 हफ्तों के अंदर यह दूसरा हादसा हुआ है, जब सैन्य अभ्यास के दौरान पैराशूट समय पर न खुलने के कारण एक और जवान शहीद हो गया। इससे पहले सादाबाद का एक और जवान सही समय पर पैराशूट न खुलने के कारण शहीद हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार नगर से सटे कोटा रोड स्थित ग्राम नगरिया नंदराम निवासी 33 वर्षीय सूरजपाल पुत्र स्वर्गीय श्री रामचरण पचौरी, जो सब इंस्पेक्टर थे, सूरजपाल आगरा में तैनात थे और सोमवार को पैरा कमांडो आर्मी सेना अभ्यास के दौरान लेह लद्दाख में पैराशूट समय पर न खुलने के चलते शहीद हो गई। यह पूरी घटना लगभग सोमवार सुबह 11 बजे के आसपास की है। सोशल मीडिया पर भी लगातार उनको श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। एक शहीद की शहादत पर परिवार दुखी का अधिक और गौरवान्वित महसूस करता है। ऐसे सपूतों को जन्म देने वाली मां का कोख भी धन्य हो जाता है। अंत में दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान शहीद की आत्मा को शांति प्रदान करे। दोस्तों, आप सभी लोग भी हमारे चैनल के माध्यम से शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।